पहुंचने वाली कोविड वैक्सीन सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए अनाड्रेल उतारी जाएगी। यहां से वैक्सीन की खेप सीधे कोल्ड स्टोर में भेजी जाएगी। सिक्योरिटी के बीच वैक्सीन प्रदेश के विभिन्न इलाकों के लिए रवाना किया जाएगा, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इसे रखा जाएगा और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अब किसी भी समय हिमाचल में कोविड की वैक्सीन पहुँच सकती है। इसके लिए स्टैंड बॉय पर 12 वाहन भी खड़े कर दिए गए हैं। अनाड्रेल जब वैक्सीन पहुंचेगी तब यहां से 12 वाहनों में से इस खेप को अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा। बता दें कि वैक्सीन रखने का राज्य का मुख्य स्टोर शिमला का परिमहल होगा। इसके अलावा धर्मशाला और मंडी में जोलन का स्टोर बनाया गया है। जो सूचना हमें अभी तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार प्रदेश सरकार को जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन है वो प्राप्त होगी, और अभी जो हमें लिखित सूचना अवेलेबल कराई गई है उसके अनुसार 93,000 जो इंजेक्शंस हैं वो यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले हमें इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि करनाल से हमें इंजेक्शंस और सारा मटेरियल जो वैक्सीनेशन रिलेटेड है वो वॉयल्स वगैरह इकट्ठी करनी पड़ेंगी, लेकिन अब जो अभी जुबानी अभी तक बताया गया है उसके अनुसार एयर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भी शायद ये वैक्सीनेशन शिमला पहुंचाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक अनाड्रेल से वैक्सीन सीधे धर्मशाला मंडी शिमला के लिए भेजी जाएगी, जिसके बाद इसे वहां पर तय तापमान के साथ स्टोर किया जाएगा। खास बात है कि हर एक सेंटर में विभिन्न हेल्थ वर्करों के साथ वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। किसी सेंटर में पहले डॉक्टर, एम्बुलेंस चालक और अन्य स्टाफ से वैक्सीन लगाने की शुरुआत की जाएगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी में भी यह शंका पैदा ना हो कि वैक्सीन पहले बड़े डॉक्टर को लगाई जा रही है, क्योंकि इस महामारी में सभी ने अपना योगदान दिया है।